हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करें। हमारे साथ में एक एबीबी कंपनी का बीएफडी है जिसका मॉडल नंबर ACS480 मॉडल नंबर है। इस बीएफडी का हम लोग कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं, कौन सा पैरामीटर किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल और मैंने एक पैरामीटर लिस्ट भी बना कर रखा है उसके हिसाब से समझा दूंगा। और डायरेक्ट डिस्प्ले पे चल के हम लोग वन बाई वन पूरा सेटिंग करके मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखा दूंगा कि किसी भी मोटर को इस पीएफडी के थ्रू हम लोग हैंड मोड में, ऑटो मोड में, पीएलसी के थ्रू, एचएमआई के थ्रू, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, पीआईडी कंट्रोल के थ्रू, स्टार्ट स्टॉप, एनालॉग इनपुट के थ्रू हम लोग कैसा इस पीएफडी के थ्रू मोटर को रन करते हैं सेफली, ताकि हमारा मोटर भी सेफ रहे और पीएफडी भी सेफ रहे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा कम्प्लीट वीडियो देखने का। अगर आप पीएफडी से रिलेटिव या इलेक्ट्रिकल से रिलेटिव नए नए और लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिक से रिलेटिव और स्पेशल बीएफडी से रिलेटेड नए नए और लेटेस्ट वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। ये मेटल लिस्ट जो बना कर रखा है उसके हिसाब से समझाऊंगा और डायरेक्ट डिस्प्ले पे चल के सेटिंग करके लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर इसी तरह का नए नए और लेटेस्ट वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट कर लें। हमारे साथ में जो बीएफडी है एबीबी ACS480 मॉडल नंबर है, इस बीएफडी का मैंने कंप्लीट पैरामीटर लिस्ट बना कर रखा है। इस पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से मैं वन बाय वन आपको पूरा समझा दूंगा कौन सा पैरामीटर किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और डायरेक्ट मैं पैरामीटर डिस्प्ले पर चल के सेटिंग करके भी दिखा दूंगा और डायरेक्ट मोटर को रन करके भी दिखाऊंगा कि हम लोग मोटर को कैसे रन करते हैं इस पैरामीटर के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, वीडियो स्किप करके नहीं देखें प्लीज़। ये जो हमारा जो नंबर दिख रहा है ये पैरामीटर लिस्ट नंबर है, ये जो हमारा सेटिंग है, ठीक है। हम लोग इस पैरामीटर में सेट करना होगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा वैसा बना कर रखा है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर, किसी भी मोटर को, किसी भी बीएफडी के थ्रू मोटर को रन करने के लिए आपका जो फर्स्ट हमारा मोटर का जो डाटा रहता है उसको हमको फर्स्ट सेव करना होता है, सेटिंग करना होता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये फर्स्ट मोटर डाटा स्टार्ट किया 99.03। इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो मोटर का टाइप आपको सेट करना है, आपको मोटर का नेमप्लेट मिल जाएगा, देख कौन सा टाइप का मोटर है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है 9904। इसके अंदर हम लोग मोटर का कंट्रोल मोड सेट कर सकते हैं, ये वेक्टर कंट्रोलर है, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं, ये हमारा 9906, ठीक है। ये हमारा मोटर का करंट इसके अंदर सेट कर सकते हैं, मोटर का नेमप्लेट आप चेक करके मोटर कितने एम्पीयर का है वो आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं 9906 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग चलते हैं 9907, ठीक है। 9907 के अंदर हम लोग जाएंगे तो मोटर का वोल्टेज आपको मिलेगा, मैंने 400 वोल्टेज रखा है। आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके ये डालने का, ठीक है, इस पैरामीटर नंबर में 9907 में, ठीक है। दूसरा हम लोग पैरामीटर में चलते हैं 9908। इसके अंदर हम मोटर का फ्रीक्वेंसी सेट करके हमने 50 हर्ट्ज रखा है, आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके इसका फ्रीक्वेंसी सेट करना, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं 9909। इसके अंदर हम लोग मोटर का स्पीड सेट करेंगे, मोटर का आरपीएम, मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके आप लोग मोटर का आरपीएम सेट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं 9910, ठीक है। इसके अंदर हम मोटर का हम लोग पावर सेट करेंगे, मोटर कितने किलोवाट का है वो हम लोग इसमें सेट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं 9911, मोटर का कॉस फाई, मोटर हमारा के मोटर का नेम प्लेट पर चेक करेंगे हमारा कॉस फाई कितना है वो हम लोग इसके अंदर सेट कर लेंगे, 0.8 हमने सेट कर रखा है, आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर लें, ठीक है। दूसरा जो हमारा आता है मोटर का कॉस फाई हमारा हो गया, दूसरा हमारा 9912। इसके अंदर हमारा मोटर का टॉर्क सेट कर लेंगे, आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो आप लोग छोड़ देंगे उसको डिफॉल्ट में, ठीक है। दूसरा हमारा चलते हैं 23.12। इसके अंदर हम लोग एक्सलेशन टाइम सेट कर लेंगे, हमने 20 सेकेंड रखा है, आप लोग मोटर का मोटर के अकॉर्डिंग आप लोग अपने कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं, मैंने 20 सेकेंड रखा है, आप लोग चाहे तो कम और ज़्यादा करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं 23.13। इसके अंदर डी एक्सलेशन टाइम है, हमने 20 सेकेंड रखा है, मोटर के स्टॉप होने का टाइम है। एक्सलेशन टाइम का मतलब है कि मोटर को 0 हर्ट्ज़ से 50 हर्ट्ज़ में जाने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग एक्सलेशन टाइम बोलते हैं, हमने 20 सेकेंड रखा है। डी एक्सलेशन टाइम का मतलब है कि मोटर को
स्टॉप होने का टाइम, मतलब मोटर अगर 50 हर्ट्ज़ में चल रहा है उसको जी हम लोग स्टॉप करेंगे तो 0 हर्ट्ज़ तक आने के लिए कितना टाइम लगता है उसको हम लोग डी एक्सेलरेशन टाइम बोलते हैं। उसको हम लोग टाइम जो से रखा है 20 सेकेंड रखा है, ठीक है। आप लोग इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये टॉर्क सेटिंग है, ठीक है। टॉर्क सेटिंग का जितने भी पैरामीटर है आपको मिलेंगे वो 26.72 से लेकर 28.02 के अंदर, आप इसके अंदर पूरा पैरामीटर टॉर्क सेटिंग का आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं BFD को, अगर आप जॉग मोड में चलाना चाहते हैं, जब एक फिक्स स्पीड के थ्रू चलाना चाहते हैं 28.42 पॉइंट में पैरामीटर में जाएंगे तो जॉग सेटिंग आपको 50 हर्ट्ज़ सेट करेंगे स्पीड 1 के लिए। दूसरा हम लोग 28.43 पैरामीटर के अंदर जाएंगे तो जॉग सेटिंग दूसरा है, इसके अंदर हम लोग 40 सेट कर लेंगे सेकेंड स्पीड के लिए। अगर मल्टीपल स्पीड में BFD को चलाना चाहते हैं तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, जॉग सेटिंग के थ्रू भी आप लोग मल्टीपल स्पीड में BFD को चला सकते हैं अलग अलग स्पीड में, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर हमारा है 30.11, ठीक है। ये हमारा मिनिमम स्पीड है, माइनस मिनिमम स्पीड आपको डिफॉल्ट मोड में माइनस 1500 RPM रहेगा, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप कोई नॉर्मल स्पीड में BFD को चलाना है तो, ठीक है। दूसरा हमारा चलते हैं 30.12, इसके अंदर हमारा मैक्सिमम स्पीड है, मतलब मैक्सिमम स्पीड कितना सेट करेंगे इसके अंदर डिफॉल्ट मोड में BFD के अंदर 1500 RPM रहता है, आप चाहें तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं 96.06 में, इसके अंदर हम लोग BFD को अगर आपको रिसेट करना है तो अगर रिसेट के ऑप्शन में जाएंगे तो इस पैरामीटर में जाएंगे तो आपको 2-3-4 ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट आपको अगर रिसेट करना है तो डिफॉल्ट मोड में लेना है BFD को तो डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा। आपको क्लियर पूरा क्लियर करना है तो क्लियर मोड को सिलेक्ट कीजिए। आपको रिसेट होम करना है तो रिसेट होम व्यू में चला जाएगा। और रिसेट मोटर डाटा करना है तो ओनली आपको मोटर डाटा रिसेट करना है तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है मोटर डाटा। इसके अंदर इस पैरामीटर के अंदर जाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेगा, आप जिस हिसाब से चाहें तो वो BFD को रिसेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं 96.02, इसकी हमारा पासकोड है, इस BFD का जो पासकोड रहता है किसी कारण बस लॉक हो गया तो इसका पासकोड है 1 और इसके बाद में 70 रहेगा, ठीक है, 0000, ठीक है। दूसरा हमारा इस पैरामीटर को पूरा पैरामीटर को सेव करने के लिए 96.07 में पैरामीटर सेव करने के लिए आप लोग 0 सेट करेंगे तो पूरा पैरामीटर जो आपने प्रोग्राम किया रहेगा वो सेव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर में हम चलते हैं। अभी जो हमारा दूसरा सेटिंग जो रहता है इस BFD के अंदर, अभी हम लोग जो सेटिंग में जाएंगे तो प्राइमरी सेटिंग के अंदर जाएंगे, डिस्प्ले में अभी हम डायरेक्ट आपको सेटिंग करके दिखाऊंगा लेकिन ये नोटपैड में बता दे रहा हूँ कि आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट अगर जाएंगे BFD को सेटिंग में डिस्प्ले में प्राइमरी सेटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल ऑलरेडी मिल जाएगा, आपको पैरामीटर लिस्ट में पूरा जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो बेसिक सेटिंग रहेगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी सेटिंग में जाएंगे तो आपको मोटर का डाटा भी मिल जाएगा, सेकंड में आपको स्टार्ट और स्टॉप और रेफरेंस भी मिल जाएगा जो आपको ऑटो मोड में चलाना है एनालॉग इनपुट के थ्रू, और आपका रैम सेटिंग भी इसके अंदर ही मिल जाएगा, एक्सेलरेशन टाइम डी एक्सेलरेशन टाइम रैम स्टॉप मोड मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको लिमिट सेटिंग में मिल जाएगा, लिमिट सेट के अंदर भी करंट लिमिट है, आपको रेफरेंस लिमिट है, पूरा डिटेल आपको इसके अंदर मिलेगा, मतलब प्राइमरी सेटिंग के अंदर जो बेसिक सेटिंग है आपको प्राइमरी सेटिंग के अंदर मिल जाएगा। मतलब आपको ये क्यों अभी भी BFD के अंदर दिया है, क्योंकि ABB इसके इस BFD के अंदर ज़्यादा पैरामीटर लिस्ट है इसलिए आपको एक बेसिक सेटिंग दिया हुआ है। आप इसके अंदर जाएंगे तो जो बेसिक सेटिंग रहता है BFD को ऑन करने के लिए वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, और इसी प्राइमरी सेटिंग के अंदर में आपको डिजिटल इनपुट एनालॉग इनपुट पूरा डिटेल आपको इसी प्राइमरी सेटिंग के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। प्राइमरी सेटिंग के अंदर जाएंगे BFD, अभी मैं आपको डायरेक्ट डिस्प्ले पर चलूँगा तो आपको डायरेक्ट मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा प्राइमरी सेटिंग के अंदर कितने ऑप्शन मिलते हैं, आप लोग उसके अंदर क्या क्या सेट कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट के पूरा वीडियो देखें, वीडियो स्किप करके नहीं देखें प्लीज़। ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं डायरेक्ट डिस्प्ले पर चल के आपको सेट करके मोटर को रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे साथ में जो BFD है आप देख सकते हैं ACS 480 मॉडल नंबर BFD। इस BFD का हम लोग फर्स्ट कंट्रोल वायरिंग देख लेते हैं, पावर वायरिंग देख लेते हैं। ये हमारा इनपुट सप्लाई है RYB, ये हमारा आउटपुट सप्लाई है जो मोटर में जाकर कनेक्ट होगा, ये लोड का केबल है, ये हमारा अर्थिंग का केबल है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, और हमने जो कंट्रोल वायरिंग किया है उसका हम आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ कैसे हमने कंट्रोल वायरिंग किया है।
ये डिस्प्ले हम निकालने के लिए ऊपर से प्रेस करेंगे, डिस्प्ले हमारा निकल जाएगा और इसको हम लोग ऊपर के साइड में थोड़ा क्लिक करके उठाएंगे तो हमारा कंट्रोल वायरिंग का जो टर्मिनल है वो आपको सामने दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने जो आपको कंट्रोल वायरिंग किया है वो आपको दिखा देता हूँ कैसे मैंने वायरिंग करके रखा है। अभी डायरेक्ट उसके बाद डायग्राम पे भी दिखाऊंगा। ये हमारा 24 वोल्ट का सप्लाई है, ये हमारा डिजिटल वन है, ये डिजिटल इनपुट टू है, ठीक है, DA1 DA2। अब ये दूसरा हमारा जो टर्मिनल है आप देख सकते हैं IN1 और IN2, ये हमारा सेफ टॉर्क का टर्मिनल है। ये दो इसमें हमने सेफ टॉर्क मोटर और सेफ टॉर्क का टर्मिनल है, ये हमने दो वायर निकल के कनेक्ट किया है। और ये जो हमारा वायर है आप देख सकते हैं ऊपर का 24 वोल्ट का 9 नंबर जो फेरल दिख रहा है वो 24 वोल्ट का डिजिटल इनपुट का सप्लाई है 24। ये हमें जो ये लूपिंग का वायर है ये हमारा कॉमन पॉइंट और ग्राउंड को हमने आपस में लूप करके रखा है। आपको मैं कंट्रोल डायग्राम में समझा दूंगा अच्छी तरह से, इसमें थोड़ा देखने के लिए मुश्किल हो रहा है। अब देख सकते हैं मैंने लूप करके रखा है। इसका जो ग्राउंड नंबर और कॉमन नंबर जो टर्मिनल है ये जो हमारा रिले वन है ये रिले टू है। आप देख सकते हैं दोनों फेस मैंने इसमें दे रखा है कॉमन पॉइंट पर, और एनओ से एक रन के लिए रिले यूज करा हो और एक हमने ट्रिप के लिए रिले यूज किया है। जैसे कि BFD रन होगा उस कंडीशन में हमारा रिले मालूम पड़ेगा हमको इंडिकेशन के थ्रू, और ट्रिप होगा उसी कंडीशन में हमको मालूम पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा मतलब BFD कितने स्पीड में चल रहा है उसके थ्रू हमको मालूम पड़ने के लिए A01 और हमारा ग्राउंड, ठीक है, इसके थ्रू हमारा आउटपुट ले सकते हैं हम लोग। और नीचे के जो टर्मिनल आपको देख रहा है EI1 और ग्राउंड, ठीक है, आप देख सकते हैं EI1 और ग्राउंड, ये हमारा एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है। इसके थ्रू हम लोग PLC के थ्रू या PID के थ्रू बाहर से रेफरेंस देकर 0 to 10 वोल्ट हम BFD को रन कर सकते हैं, इसलिए हमने ये नीचे का टर्मिनल रखा है EI1 टर्मिनल। आपको देखने के थोड़ा मुश्किल हो जाए आपको अच्छे समझे वीडियो में बने, प्लीज़ वीडियो स्किप करके नहीं देखें प्लीज़। अभी मैं डायरेक्ट आपको इसका BFD का कीपैड के बारे में देख लेते हैं, हम लोग कीपैड को कौन सा बटन किसके लिए यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट BFD को सेटिंग करेंगे, ठीक है। इसके BFD के ऊपर एक स्क्रू रहता है, उसको हम लोग टाइट कर देंगे। इसको टाइट करने के बाद में हम लोग इसका डिस्प्ले इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। अभी हमारे साथ में जो डिस्प्ले मैंने निकाल कर रखा है उस डिस्प्ले को हम लोग इस ड्राइव के अंदर फिट कर देंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा डाल के इसे प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं डिस्प्ले लॉक हो चुका है। अभी मैं इसको कीपैड के बारे में जान लें कौन सा बटन किसके लिए। ये हमारे स्टॉप का बटन है जो रेड कलर का, ये हमारे स्टार्ट का बटन है, ठीक है, और ये डाउन की और अप की बटन है, और लेफ्ट की और राइट की बटन है, मतलब इसके थ्रू मतलब प्रोग्राम को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये हमारा मेन मेन्यू है, ये हमारा बैक का, ये हमारा रिमोट और ऑटो का है, ठीक है, रिमोट और लोकल मोड पे, मतलब इसके थ्रू आप लोग कीपैड के थ्रू भी चला सकते हैं और रिमोट में सिलेक्शन करेंगे तो आप लोग टर्मिनल मोड के थ्रू स्विच के थ्रू चला सकते हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट डिस्प्ले पे चल के आपको सेटिंग करके दिखाते हैं और लाइव आपको टेस्ट करके दिखाएं, ठीक है। अभी हम ये जो हमारा BFD अभी मैं इसको वायरिंग हमने जो किया है आपको डोर में दिखा रहा हूँ। हैंड ऑफ ऑटो हमने स्विच एक यूज किया है, हैंड मोड में फिक्स स्पीड और ऑटो मोड में हम लोग PLC के थ्रू 0 to 10 वोल्ट देकर BFD को रन करेंगे। अभी आपको डायरेक्ट मैं सेटिंग करके दिखाता हूँ। अब मैंने सप्लाई ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद में फर्स्ट हम लोग मेन मेन्यू का बटन दबाएंगे। इसके बाद हमारा फर्स्ट जो पैरामीटर आता है प्राइमरी सेटिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। प्राइमरी सेटिंग के अंदर आपको पूरा ऑप्शन मिल जाएगा सेट करने के लिए, जो बेसिक पैरामीटर होता है। अब देख सकते हैं प्राइमरी सेटिंग आ रहा है। उसके बाद में हम लोग डाउन की करेंगे तो इसको दूसरा हमारा एनालॉग डिजिटल इनपुट का आ रहा है, इसका सिस्टम इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी का ऑप्शन आ रहा है, बैकअप का ऑप्शन आ रहा है, पैरामीटर का ऑप्शन आ रहा है। मैं वन बाय वन आपको पूरा मैं एक एक लिस्ट के बारे में दिखा, इसके अंदर पैरामीटर में जाएंगे तो हम लोग कंप्लीट लिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको पूरा ऑल पैरामीटर मिल जाएगा इसी के अंदर, देख सकते हैं आपको पूरा पैरामीटर इसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन हमको मोटर डाटा फर्स्ट डालना है, उसके लिए हमको अप के दबाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग मोटर डाटा में चले जाएंगे, मतलब मोटर डाटा का जो पैरामीटर है 99 नंबर पैरामीटर में आपको पूरा मोटर का डाटा मिलेगा आपको, तो हमने 99 सेलेक्ट किया। हम लोग ओके करेंगे, इसको इंटर का बटन दबाएंगे, उसके बाद में हम लोग मोटर डाटा आ रहा है, ठीक है। मोटर डाटा में फर्स्ट जो हमारा आ रहा है आप देख सकते हैं ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन हमें वन बाई वन जो हमारा मोटर का नेम प्लेट पर रहता है वही हम लोग सेट कर, मोटर का फर्स्ट हम लोग करंट देख लेते हैं। मोटर का जो आपका नेम प्लेट पर जो करंट रहेगा एम्पेयर रहेगा वो अपन लोग सेट कर इंटर करेंगे। इसको वन टाइम इंटर करेंगे तो जो इसका मोटर का नेम प्लेट पर आपका जो एम्पेयर रहेगा वो एम्पेयर आप इसमें सेट कर लेंगे। हमारा जो है हम इसके हिसाब से हम सेट कर लेंगे, 30 एम्पेयर हमने सेट कर दिया। अप और डाउन बटन के माध्यम से राइट की दबाएंगे तो ये आपका डिजिट राइट साइड में चला जाएगा, और अप एंड डाउन के माध्यम से आप लोग जितना चाहें आपका मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके
वो रेटिंग इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए हमारा 30.5 है, तो हमने 30.5 इसको डाल कर इसको इंटर करेंगे, तो इंटर का बटन राइट साइड का ऊपर का है, तो इंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, मतलब एम्पियर सेव हो चुका है। आप लोग मोटर का नेम प्लेट को चेक करके ही आपका एम्पियर रेटिंग डालना चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए आपको इसे डाल रहा हूँ। ठीक है, हमारा जो मोटर का रेटिंग है वो इसके अंदर हम लोग देख ले। दूसरा हमारा मोटर का स्पीड है, मोटर का आरपीएम है। ठीक है, मोटर का आरपीएम आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके आप लोग सेव कर सकते हैं। मोटर का आरपीएम मान लीजिए इसमें हमारा 2600 हमारा 2650 है। अभी मैं आपको दिखाने के लिए मैं सेव कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा 2950 में डाल के आपको दिखा रहा हूँ। इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आरपीएम हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग डाउन की दबाएंगे तो हमारा दूसरा मोटर का किलोवाट आता है। मोटर का मतलब पावर, मोटर कितने किलोवाट का है। अगर किलोवाट आपके नेम प्लेट पर रहेगा तो आप लोग किलोवाट इसके अंदर डाल देंगे। कभी भी किसी भी में बीएफडी को मोटर को चलाने के लिए बीएफडी के थ्रू आपको मोटर का डाटा डालना कंपलसरी है। अगर नहीं डालेंगे तो मोटर आपका सेफ वर्क नहीं करेगा, बीएफडी भी सेफ नहीं रहेगा। किलोवाट हमने डाल दिया, किलोवाट को मोटर का जो पावर है वो देख सकते हैं। इस मोटर का जो पावर डिफ़ॉल्ट है 7.5 किलोवाट का है, तो हम लोग चेंज करने के लिए अप एंड डाउन बटन के माध्यम से, अभी हम मान लीजिए हमारा 11.5 का है, तो 11 किलोवाट का है, तो हम 11 किलोवाट डाल के ऊपर का इंटर का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद में वो डाउन के दबाएंगे तो मोटर का कॉस्टफाई आएगा। मोटर का नेम प्लेट पे आप लोग चेक करके मोटर का कॉस्टफाई डाल देंगे। मोटर का मान लीजिए हमारा मोटर का कॉस्टफाई 0.8 है, तो हम लोग 0.8 डाल देंगे अप एंड डाउन के माध्यम से। अप डाउन बटन का जो उसके साथ में हम लोग अप एंड डाउन लेफ्ट राइट का जो बटन है आपको बटन दबाते हुए मान लीजिए हमने इसको अभी हम लोग इसको लेफ्ट की दबाएंगे। लेफ्ट की दबाने के बाद में मान लीजिए लेफ्ट की दबा दिया, दबाने के बाद में हम लोग अप डाउन बटन के माध्यम से इसको हम लोग एट करेंगे। क्यों, हमारा जो मोटर का कॉस्टफाई है वो नेम प्लेट पे 0.8 है, तो 0.8 हमने सेव कर दिया और राइट बटन इसको हम लोग जीरो कर देंगे, मतलब 0.8 हमारा सेव हो चुका है। इंटर करेंगे सेव हो जाएगा, ये मोटर का हमारा कॉस्टफाई सेव हो चुका है। अभी हम लोग मोटर का नेम प्लेट का हिसाब से ये मोटर का टॉर्क हम इसको छोड़ देंगे डिफ़ॉल्ट मोड में। मोटर का आईडी है वो आईडी को भी हम लोग छोड़ देंगे डिफ़ॉल्ट मोड में। जो हमारा मोटर का नेम प्लेट पे बेसिक चीज़ है वो हम लोग सेट कर देंगे। मोटर का फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे, जो मोटर का नेम प्लेट पर आप लोग चेक कर लेंगे कि आपका मोटर का फ्रीक्वेंसी कितना है, वो आप लोग इसके अंदर सेट करेंगे। ठीक है, आप लोग अपनी मर्जी से नहीं सेट करना, नहीं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मोटर भी आपका जलने का चांस रहेगा, नहीं तो बीएफडी भी खराब होने का चांस रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग किसी भी बीएफडी के थ्रू मोटर को रन करने के पहले आप लोग मोटर का डाटा अच्छी तरह से डालना होगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कंप्लीट लिस्ट हो चुके, कंप्लीट लिस्ट के अंदर आपको मोटर का डाटा हमने डाल दिया। हमने बैक का बटन दबाया, उसके बाद में हम लोग अप का बटन दबाते हुए ये बैकअप आ रहा है। ठीक है, बैकअप में आप लोग इंटर करके हम लोग देख लेते हैं, बैकअप का हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में चलते हैं, हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी इसके अंदर भी इंटर करके देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। इसके अंदर अभी हम लोग को इसके अंदर आपको हमारा कुछ काम नहीं है, क्योंकि हमको जो काम है उसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पूरा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी सिस्टम इन्फॉर्मेशन के अंदर हम लोग जाएंगे तो हमारा जो बीएफडी का पूरा डिटेल डाटा रहेगा वो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा कंपनी का बीएफडी है, कभी इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, पूरा डिटेल आप इसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग चलते हैं, ये हमारा डिजिटल इनपुट आउटपुट का जो पैरामीटर है इसके अंदर क्लिक किया हमने, इंटर किया। इंटर करने के बाद में हमारा DI1 टर्मिनल, हमने जो टर्मिनल यूज किया DI1 ऑटो के लिए और DI2 हम लोग हैंड मोड के लिए फिक्स स्पीड। ठीक है, तो हमने DI1 को हमको स्टार्ट स्टॉप करना है, तो हमको इसको स्टार्ट स्टॉप मिला के हमको सेव करना है। ठीक है, अभी दूसरा मोड में है, डाउन बटन के माध्यम से नीचे तक लगाएंगे स्टार्ट और स्टॉप मोड में लेके देख सकते हैं। स्टार्ट और स्टॉप मोड में आ गया और हम लोग इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा, मतलब DI1 टर्मिनल जो है आपको स्टार्ट और स्टॉप मोड के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, आपको 0 to 10 भूल के थ्रू DI1 टर्मिनल यूज करेंगे, ताकि आपको बाहर से रेफरेंस 0 to 10 भूल के थ्रू आप लोग ऑन कर सके। ठीक है,
आप लोग याद रहे 0 DA1, जैसे मैंने ऑलरेडी कंट्रोल डायग्राम में बता चुका हूँ, ठीक है। और DA2 हम लोग हैंड मोड के लिए यूज करेंगे, हैंड मोड फॉरवर्ड के लिए, ठीक है। और दूसरा हम लोग चलते हैं इसके बाद में, कभी भी हमको अगर DA1 यूज करना है, अगर आप मान लो DA1 फॉरवर्ड के लिए यूज कर रहे हैं, तो अगर आप रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो DA2 यूज करके आपको DA2 का टर्मिनल आपको रिवर्स में सिलेक्शन करना होगा इस पैरामीटर के अंदर, मतलब एनालॉग इनपुट और डिजिटल इनपुट आउटपुट के अंदर जो टर्मिनल है उसको इनेबल करना होगा जब भी आपका BFD रन करेगा, ठीक है। उसके बाद हम इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद बैक का बटन दबाते हैं हम लोग। बैक का बटन दबाने के बाद में हम लोग हमारा डिजिटल इनपुट का प्रोग्राम हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आपके दबाएंगे ऊपर का बटन दबाने के बाद में हम लोग प्राइमरी सेटिंग में जाएंगे, तो हम लोग फिर इंटर करेंगे। इंटर करेंगे तो हमारा इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो ये माइक्रो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो माइक्रो सेटिंग हम लोग हैंड ओवर ऑटो में छोड़ देंगे इसको। डिफ़ॉल्ट मोड हैंड ओवर ऑटो रहता है, तो इसको हम लोग चेंज कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हैंड ऑटो में छोड़ देंगे। बैक का बटन दबाएंगे, बैक का बटन है, स्किप का बटन है। उसके बाद में हमारा और स्टार्ट स्टॉप रेफरेंस है, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप रेफरेंस जो हमने अपना डिजिटल इनपुट के लिए किया DA1, ये हमारा स्टार्ट स्टॉप रेफरेंस है, उसको हम लोग इंटर करेंगे तो ये ऑलरेडी जो एनालॉग इनपुट टर्मिनल AI1 है, ऑलरेडी इसको डिफॉल्ट मोड में AI1 ही रहता है, ये वोल्टेज के थ्रू आपका BFD रन करेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग कुछ भी चेंज नहीं, अगर आपको चेंज करना है कुछ मिली एम्पियर के थ्रू तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको चेंज नहीं करना है क्योंकि हमको वोल्टेज के थ्रू PLC के थ्रू 0 to 20 volt देकर BFD को ऑपरेट करना है, ठीक है। उसके बाद में जो बाकी है इसको हम लोग छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। बैक का बटन दबाएंगे, हम लोग बैक में चले जाएंगे। उसके बाद में हम लोग उसके डाउन बटन दबाएंगे, डाउन बटन दबाएंगे तो ये हमारा रैंप आ रहा है, रैंप आ रहा है, तो रैंप के हम लोग इसको इंटर करेंगे। इंटर का बटन हमने दबा दिया, राइट साइड के इंटर का बटन जो हमारा उंगली जहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा एक्सेलेरेशन टाइम है, मोटर को स्टार्ट करने का जो टाइम है, ये हमारा डीएक्सेलेरेशन टाइम है, ठीक है। तो डीएक्सेलेरेशन टाइम अगर आपको कम और ज़्यादा करना है तो आप लेफ्ट और राइट बटन का यूज करके कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा अभी 20 सेकेंड डिफॉल्ट है, ये मोटर का स्टॉप होने का टाइम है डीएक्सेलेरेशन टाइम। मोटर 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आने के लिए जो टाइम लगता है उसका टाइम डीएक्सेलेरेशन टाइम है, ये एक्सेलेरेशन टाइम है। ये एक्सेलेरेशन टाइम आपको चेंज करना है तो आप लोग लेफ्ट और राइट बटन का जो एरो का बटन है उसको यूज करते हुए आप लोग चेंज कर सकते हैं। एक्सेलेरेशन टाइप का मतलब है कि मोटर को 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जाने में जो टाइम लगता है, मतलब फुल स्पीड में जाने के जो टाइम लगता है उसको हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा सेटिंग हो चुका है। अभी हमको BFD को स्टॉप करना है, मतलब कौन सा मोड में स्टॉप करना है उसके बारे में हम लोग सेव कर लेंगे स्टॉप मोड, ठीक है। हमको BFD को एक्सेलेरेशन और डीएक्सेलेरेशन के हिसाब से, रैम के हिसाब से स्टॉप करना है या कॉस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो हमको रैम के हिसाब से स्टॉप करना, क्योंकि मोटर को ऑन करने के टाइम में भी आराम आराम से 20 सेकंड के अंदर में फुल स्पीड जाना चाहिए, और स्टॉप होने के टाइम में भी आराम आराम से 20 सेकंड के अंदर में स्टॉप होना चाहिए। हमको सडनली ऑन और ऑफ नहीं करना है, सडनली ऑन ऑफ करना होगा तो कॉस्ट में सिलेक्शन करना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में चलते हैं। उसके बाद में हम लोग रेफरेंस सेट करेंगे इसका, क्योंकि अभी BFD हमारा अभी चालू करेंगे तो रन नहीं होगा, क्योंकि हमको अभी हमारे साथ में एनालॉग इनपुट के लिए जो वोल्टेज नहीं है, इसलिए अभी मैं आपको एक फिक्स स्पीड में आपको सेट करके दिखा रहा हूँ। अभी मान लीजिए अभी आपको नॉर्मल DA1 टर्मिनल के थ्रू एक नॉर्मल स्पीड में चलाना है, जैसे फिक्स स्पीड में चलाना है, तो आप क्या करेंगे कि प्राइमरी सेटिंग में जाएंगे। उस प्राइमरी सेटिंग में जाने के बाद में इसको हम लोग इंटर करेंगे, ये इंटर का बटन है जहाँ हमारा उंगली है, इसको दबाएंगे। दबाने के बाद में हम लोग डाउन की बटन, मतलब डाउन बटन के माध्यम से, डाउन की के माध्यम से हम लोग लिमिट में जाएंगे। अब देख सकते लिमिट है, इसके अंदर हम लोग लिमिट में हम लोग जाने के बाद में इंटर बटन दबाएंगे। दबाने के बाद में ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, इसके अंदर हम लोग जितना सेट करेंगे BFD DA1 टर्मिनल के थ्रू उतना ही स्पीड में चलेगा, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर 40 है, अगर कम और ज़्यादा करना चाहते हैं, 30 करना चाहते हैं, 10 करना चाहते हैं, जितना भी करना चाहते हैं, DA1 टर्मिनल आपको उतना ही स्पीड में रन करेगा। आप स्विच के थ्रू ऑन करेंगे तो DA1 टर्मिनल में 24 वोल्ट देंगे तो उतना स्पीड में चलेगा। अगर आप इसको 0 करेंगे तो 0 to 10 volt के थ्रू BFD स्टार्ट हो जाएगा। अगर 0 to 10 volt नहीं देना है तो इसके अंदर एक नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डालेंगे तो आपका BFD रन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग इस BFD के जो अभी लिमिट होगा, लिमिट के अंदर भी ज़्यादा ऑप्शन रहता है, हमारा जो करंट लिमिट रहता है उसका हम लोग सेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं।
ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज आप देख सकते हैं। उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं चेंज करना है तो कोई बात नहीं, आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग इस BFD को पूरा सेटिंग करते हैं। आप लोग जो भी मोड में चलाना चाहते हैं BFD को, हैंड मोड में, ऑटो मोड में, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, आप टर्मिनल को डिजिटल इनपुट के प्रोग्राम के अंदर जाने के बाद में आप लोग जो टर्मिनल यूज कर रहे हैं उसी टर्मिनल को रिवर्स में, फॉरवर्ड में, हैंड में, ऑटो में सेलेक्ट करके BFD को रन करेंगे तो अच्छी तरह से रन हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने पूरा प्रोग्राम कर दिया है, अब मैं BFD को रन करके देखते हैं हमारा BFD चालू होता है क्या। अब देखते हैं तो BFD मैंने स्टार्ट कर दिया, अब डिस्प्ले को देख सकते हैं हमारा मोटर भी स्टार्ट हो चुका है, मोटर मेरा चालू हो चुका है। अगर इस BFD का आप कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के साथ में, फुल पैरामीटर लिस्ट के साथ में जो कि मैंने नोट पैड पर बना कर रखा है, और इसका कंप्लीट सेटिंग और टेस्टिंग के साथ वीडियो देखना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड स्क्रीन में वो वीडियो डाल दूंगा, या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा। वो वीडियो 40 मिनट का आई थिंक वीडियो है, लेकिन कंप्लीट A to Z कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो को ख़त्म होते वो वीडियो आप जरूर देख लेना ताकि आपको अच्छी तरह से हेल्प मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इलेक्ट्रिकल से या BFD से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।